हम चाहते हैं कि सबको लगे कि हमारा परिवार परफेक्ट, और हमारे परिवार के अंदर जो पैसों का डीलिंग है वो परफेक्ट है, और सब लोग सुलझे हुए हैं। सच्ची बात यह है कि सब लोग उलझे हुए हैं, सब लोग। अब ये उलझन को मिटाना कैसे? आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। आपको मिटाना है तो अपने अंदर ही किसी तरह के तरीके से उसके साथ डील करना है। आज सबका टेरिटरी क्या है? मोबाइल फोन। हर एक का मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ ऐसे है कि कोई और देखे, यानी तुम यार मेरी चड्डी उतार के एक बार देख लो तो चल जाएगा, लेकिन मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल प्राइवेट है, बहुत प्राइवेट है, जबरदस्त प्राइवेट है। अरे यार इतना प्राइवेट क्या है? तो पॉर्न देखता होगा और क्या है? सवाल ये इस बात का नहीं है कि पॉर्न देखता है, सवाल इस बात का कि किस टाइप का पॉर्न देखता है। तो प्राइवेट है। अभी पॉर्न की भी बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉर्न की बात है, वो भी नहीं होगा। फोन नंबर्स, किसी के फोन नंबर्स, हाँ तो नहीं नहीं वो मेरी प्राइवेट बात है। अरे क्या प्राइवेट क्या है उसमें? लेकिन है, और ये है, और ये हकीकत है। अब मियां बीवी जो एक ही पलंग पे सोते हैं और उनके हाथ हर जगह घूमते हैं और वो सब कुछ साथ में करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन्स, भाई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी, आप मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाओ, मोबाइल पे लॉक लग जाएगा। तरह तरह के लॉक्स लगा देते हैं, पासवर्ड, कोडवर्ड, फिंगरप्रिंट, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ एनक्रिप्टेड। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है वो एक टेरिटरी है, वो एक ऐसी जगह है जिसको आप अपना खुद का कहते हो, कोई और शेयर नहीं कर रहा है। तो टेरिटरी, तो कौन सिखाएगा बच्चों को और बड़ों को भी कि यार फैमिली में बहुत सारे टेरिटरीज होते हैं। अब जब हम टेरिटरी कहते हैं, कुत्ते एक दूसरे के इलाके में जाते हैं तो घमासान युद्ध हो जाता है। यानी एक कुत्ता अगर कहीं अनजान इलाके में चला गया तो भाई उस एरिया के सारे कुत्ते उसके ऊपर कूद पड़ेंगे और उसको फाड़ के रख देंगे। वो भागेगा, यानी उसकी हाल बुरी हो जाएगी, शायद वो जीवित नहीं रहेगा, ऐसे हाल हो जाता है उसका। बिल्लियों का भी ऐसा ही है, इंसानों का भी ऐसा ही है। लेकिन ये ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, घर का पॉलिटिक्स है। पावर के बारे में है, टेरिटरी के बारे में है। पैसा टेरिटरी है, फूड टेरिटरी है, दूध रोटी वगैरह। किसने कहा था तुमको 6 रोटी खाने को? तुमको पता नहीं मैंने 5 रोटी पापा के लिए बना के रखे थे। झगड़ा। तो फूड, पावर, टेरिटरी, मनी, स्वार्थ, उसमें स्वार्थ आ जाता है। मम्मी मुझे खाना दो, अभी खाना दो। अबे साले तो अभी अभी उठा है, कुल्ला भी नहीं किया है, खाना दो करने लगा। लेकिन स्वार्थ, मम्मी के ऊपर हम अधिकार जता सकते हैं। पापा मुझे पैसे दो, कितना चाहिए? 10,000। नहीं दे सकता हूं। पापा मुझे पैसे दो 10,000 रुपए। अबे साले क्यों? अबे मेरा फोन खराब हो गया, मुझे नया फोन लेना है। अबे चूतिए, ऐसे मांग रहा है जैसे कि तेरी फंडामेंटल राइट है। घर में का पैसे कम पड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे फोन के बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे पैसे दो। झगड़ा। पावर, तो स्वार्थ। दूसरी तरफ परमार्थ, सैक्रिफाइस, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना। ये मैं खाना चाहता था लेकिन भैया इसे बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए छोड़ दो। मम्मी और कुछ खाती नहीं है, उनके लिए छोड़ दो। वो भी देखोगे, ये सब देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे इन बातों के बारे में, ये फोड़े फुंसी को के अंदर सुई घुसा के फोड़ेंगे। इसलिए क्योंकि जब फूटते हैं और सब निकलता है तो थोड़ा सा चैन आता है, थोड़े से समय के लिए, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैन मिले। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय हिंद।